माय न्यू ब्लॉग। आज सेकेंड डे है मेरा जो रुचिता मैम का जो डाइट प्लान है उसमें, और आज मैंने सेकेंड डे स्टार्ट किया है। कल मेरा फर्स्ट डे बहुत ही अच्छा गया है और मुझे डाइट भी बहुत ही प्रॉपर किया है, और थोड़ा बहुत कुछ गलती होगी वो मैं धीरे धीरे चेंज कर लूँगी। और गाइस मुझे सेकेंड डे में बहुत ही अच्छा लगा, मैंने वॉक भी किया है और गाइस बहुत ही अच्छा लगा, और पूरा दिन मैंने जो डाइट प्लान है वो मैंने फॉलो किया है। तो गाइस अभी मैंने मॉर्निंग में मैं 7 बजे उठी थी, तो मैंने नॉर्मल पानी पिया है, और अभी मैं जो उसके 15 मिनट के बाद अभी मैं जो पानी पीने वाली हूँ वो है, मैंने कल ही बनाया था जो अदरक और नींबू वाला, वही मैं आज मैंने वही बनाया है, आज वो मैं पानी पीने वाली हूँ। और उसके बाद 10 मिनट के बाद मैं कोई मील स्टार्ट करूँगी, कोई फ्रूट्स मैं ले लूँ। हाइड्रेशन के हिसाब से हमको पानी पीना है सबसे ज़्यादा, जितना हो पाए आपको बॉडी को जितना जितना ज़रूरत है उतना पानी पीना है गाइस। और पानी के लिए पानी सबसे बेस्ट है बॉडी में, बॉडी नीट एंड क्लीन करती है, और पूरा जो हमारा जो डार्क सर्कल है स्किन है वो स्किन पे भी इफ़ेक्ट दिखेगा। सो गाइस अभी मेरा पहला दिन से भी मैं लास्ट दिन में मेरी इफ़ेक्ट कितनी वो भी मैं दिखाऊंगी, मेरा जो वेट कितना है, वेट कितना कम हुआ है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो गाइस मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। आज मैं पूरा दिन का कैसे मैं डाइट करने वाली वो आपके साथ। कल मैंने वही बनाया था पानी, आज भी मैंने वही बनाया, क्योंकि वार्म वाटर मुझे सिंपल ही अच्छा नहीं लगता है। जिसको सिंपल अच्छा लगता है सिंपल भी पी सकते हैं, एलोवेरा का अच्छा लगता है एलोवेरा का पी सकते हैं, आंवला का आता है वो आंवला का भी पी सकते हैं, जिसको जो सूटेबल है वो पी सकते हैं, बट थोड़ा वार्म वाटर होना चाहिए। सो गाइस मैं मेरा पानी जो है वो मैं ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद में जो मील स्टार्ट करते हैं उसमें मैं आपको नेक्स्ट मील में मिलती हूँ। सो गाइस अभी 20 मिनट्स हुई आफ्टर, और मेरा मील नंबर है बनाना, और गाइस अभी मैं बनाना लूँगी, और उसके बाद गाइस मैं 1-1.5 घंटा के बाद मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। सो गाइस मैं ब्रेकफास्ट में आपको मिलती हूँ। I'm floating through outer space. I'm lost and I can't find a way. घंटे के बाद हम लोग ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। सो गाइस मैं अभी आपको मिलूंगी ब्रेकफास्ट में। सो गाइस अभी मैं स्टार्ट करती हूँ लौकी के पराठा, और अभी मैंने ली है लौकी, और उसके बाद मैं लूंगी आटा। उसके बाद मैं लूंगी थोड़ी सी धनिया, और उसके बाद मैं पूरा डालूंगी मसाला, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, नमक, और अभी मैं आटा बना के बहुत ही मस्त पराठा बनाने वाली हूँ। ब्रेकफास्ट इज रेडी, और आज मैंने बनाए हैं लौकी के पराठे, और मेरे फेवरेट है। और गाइस आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका फेवरेट क्या है, तो मुझे अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिल जाए। और गाइस ये मैंने लौकी के पराठे बनाए हैं तो बहुत ही अच्छे, बहुत ही मस्त है, और अभी बाजार में बहुत ही हरी हरी ताज़ी सब्जी मिल रही है। सो गाइस जितना हो सके उतना हमको डाइट में सब्जियाँ हरी सब्जी यूज़ करनी है, और गाइस बहुत ही अच्छा हम लोग पराठा खा सकते हैं, इसलिए मैंने पराठा बनाया है आज, और बहुत ही मस्त मस्त हरी सब्जी धनिया डाल के बहुत ही मस्त बनाया है। गाइस आज का ब्रेकफास्ट अमेजिंग है, क्योंकि मेरा फेवरेट है और बहुत ही मस्त है, टेस्ट वाइज भी बहुत ही मस्त बना है,
और गाइज इसको मैं धीरे धीरे खाऊंगी, क्योंकि धीरे धीरे खाना है और मोबाइल वगैरह यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमको चबा चबा के खाना है गाइज। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। और गाइज एक बात और, इसमें चाय स्किप करनी है, हो सकता है चाय अवॉइड करो, बट मुझे चाय की जो आदत सी है, क्योंकि मुझे चाय नहीं पीती हूँ, मॉर्निंग में एक ही टाइम पीती हूँ, पर मैं नहीं पीती हूँ, मुझे सर दर्द होता है, इसलिए मैं चाय साथ में रखती हूँ। बट आप चाय अवॉइड कर सकते हो तो चाय अवॉइड करो। सो गाइज अभी मेरा नेक्स्ट मील है ऑरेंज, और मैं अभी ऑरेंज खाऊंगी। और गाइज मैंने जो ब्रेकफास्ट किया था उससे अभी 1.5 घंटा हो गया है, तो नेक्स्ट मील में मैं ऑरेंज लेने वाली हूँ। और गाइज आपने अभी तक पानी नहीं पिया तो मेरा वीडियो पॉज करके आप पहले पानी पी लो और उसके बाद कंटिन्यू मेरा वीडियो आप देखो, क्योंकि पानी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं भी बहुत ही प्रायोरिटी दे रही हूँ पानी पे, क्योंकि मैं पानी बहुत कम पी रही थी, बट अभी मैंने जो मैंने डाइट स्टार्ट किया है तब से मैं पानी का जितना हो सके उतना पानी का मैं ध्यान रखती हूँ और मैं पानी पीती हूँ। तो गाइज मैं भी डाइट का फॉलो कर रही हूँ, बहुत ही मस्त खट्टे मीठे हैं। सो गाइज अभी मुझे ऑरेंज तो बहुत पसंद है और वो डाइट में भी बहुत ही हेल्पफुल है, तो मैं ऑरेंज ज़्यादा प्रीफर करूँगी। गाइज अभी मैं ऑरेंज ख़त्म कर लूँ और उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ लंच टाइम में। मैं ख़त्म कर लेती हूँ और अभी मेरा थोड़ा PhD का वर्क है, थोड़ा मुझे अभी स्टडी करनी है, तो मैं स्टडी भी कर लेती हूँ। और गाइज थोड़ा मुझे वीडियो एडिटिंग भी पेंडिंग है। अभी मैं बना रही हूँ लंच और अभी मैं बना रही हूँ उसमें दाल चावल, तो क्विकली बना लेती हूँ। गाइज मैंने इसमें डाल दिया है लाल मिर्च और हल्दी और डाला है धनिया, और अभी मैंने मिक्स करके और इसमें मैंने पूरा जो मसाला है वो डाल दिया है। उसके बाद मैं अभी डालूंगी नमक, जो हमको जितना चाहिए उस हिसाब से हमको नमक भी डालना है, तो मैं नमक भी मैंने डाल दिया है। और उसके बाद मैं डालने वाली हूँ टमाटर, जो ये टमाटर अभी, उसके बाद मैं डालूंगी थोड़ा धनिया ग्रीन वाला। और गाइज आपको मीठी बनानी है दाल तो थोड़ी चीनी डालनी है उसमें, और नींबू लास्ट में डालना है, बट जो मीठी नहीं बनानी है तो ऐसे भी रख सकते हैं। दाल है और मस्त राइस, और इसमें है बटर मिल्क और एक ग्रीन मिर्च। सो गाइस अभी मैंने दाल राइस मैंने बनाया है, बहुत ही मस्त, बहुत ही टेस्टी लग रहा है और बहुत ही मेरा फेवरेट है। और गाइस मैंने दाल, बहुत ही सारा एक्साइटमेंट है कि मैं दाल राइस खाऊं। सो गाइस चलते हैं। सो गाइस मैंने दाल राइस बनाया है और अभी मैं टेस्ट कर रही हूँ, गर्मा गर्म दाल है वो मिलने वाली, बहुत ही मस्त, वाओ अमेजिंग गाइस। एक बात है कि गुजराती दाल राइस है, तो इसमें मैंने रेसिपी में डाला है चीनी भी डाली है और नींबू भी डाला है, क्योंकि मुझे दाल राइस खट्टा मीठा पसंद है एकदम सा, मुझे उसमें मीठा भी डालना मुझे अच्छा लगता है और खट्टा भी, तो इसका टेस्ट मुझे खट्टा मीठा लग रहा है, तो मेरी फेवरेट दाल है। और दूसरी के दाल में प्रोटीन मिलता है हमको, पूरा भरपूर प्रोटीन मिलता है, तो दाल खानी चाहिए, तो मैंने आज मैंने दाल राइस लिया है और मैं मेरा दाल राइस एंजॉय कर रही हूँ। और उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट मील में। दाल राइस के साथ बटर मिल्क, वाह क्या मजा आएगा आज। सो गाइस दाल राइस में एक मिसिंग है कि मुझे दाल राइस के साथ कुछ कुरकुरे चटपटा मुझे खाने के, मैं उसके साथ ही खाती हूँ, वरना दाल राइस में कभी नहीं खाती हूँ, बट आज सो सैड मैं आज डाइटिंग पे हूँ,
तो मैं आज नहीं खा पाऊँगी, आज ओनली मुझे दाल राइस और बटर मिल्क ही मुझे खाना पड़ेगा। तो आज से मैं वो भी अवॉइड किया है मैंने। सो गाइज, मेरा नेक्स्ट मील है ऑरेंज, तो आज मैं अभी ऑरेंज खाऊंगी। और गाइज, अभी थोड़ा मुझे बाज़ार में काम है, थोड़ा मैं अभी बाहर भी जाने वाली हूँ कि अभी थोड़ा टाइम है, तो मैं क्योंकि रात को फिर वापस मुझे डिनर भी करना है और वॉकिंग पे भी जाना है, तो आज जितना हो सके उतना मुझे वॉकिंग टारगेट है, उतना हम लोग कर पाएंगे तो हम उतना वॉकिंग करेंगे। सो गाइज, अभी मेरा मील है ऑरेंज, तो वो मैं अभी एंजॉय करूँगी ऑरेंज के साथ। और अभी मैं अब आ गई हूँ घर पे और बजे अभी 8 और अभी डिनर का टाइम हो गया है। सो गाइज, अभी मैं आपको डिनर में मिलती हूँ। और गाइज, अभी मैं डिनर में बनाने वाली हूँ डोसा, जो मैं वो भी मेरा फेवरेट ही है। सो गाइज, आज मैं बहुत एक्साइटमेंट है और भूख भी लगी है क्योंकि बाहर गई थी, तो अभी मैं डोसा। तो डिनर का टाइम हो गया है और बजे है अभी 8:30 और अभी मैं डिनर कर रही हूँ क्योंकि आज बाहर गई थी, थोड़ा लेट हो गया है। और गाइज, अभी मैंने यहाँ पे बनाया अभी सिंपल डोसा और दाल बनाई है मैंने, और ये है सिंपल डोसा बनाया मैंने। सो गाइज, अभी और इसके साथ मैं लूँगी बटर मिल्क क्योंकि बटर मिल्क तो मेरी फेवरेट है। सो अम्मी गाइज, बहुत ही मस्त टेस्ट में बना है, दाल एकदम मस्त बनी है इसकी, और डोसा भी बहुत ही मस्त बनाया। मेरा डोसा मेरा फेवरेट है। डाइट में भी हम लोग डोसा खा सकते हैं गाइस। बाद मुझे आधा घंटे के बाद मुझे जाना है वॉकिंग में, तो अभी मैं वॉकिंग में भी जाने वाली हूँ। मैं वॉकिंग करूँगी आज जितना हो पाएगा, शायद बाहर गई थी तो लेट हो गया है तो थोड़ा कम हो जाएगा, बट जितना हो पाए उतना। अभी दीदी के पास जाना है क्योंकि वो फ्री हो गई है, तो फिर हम लोग भी जाएंगे वॉकिंग के लिए 9 बजे गाइस। तो मैं आपको डायरेक्टली वॉकिंग में मैं मिलती हूँ, तब तक मैं मेरा डिनर एंजॉय कर लेती हूँ गाइस। सो गाइज, अभी यहाँ पे ऐसा है कि अब बहुत ही अच्छा अच्छा खाना है, प्रोटीन वाला खाना है, चना है, कुछ भी जो जिसमें प्रोटीन मिलता है वो हम खा सकते हैं। सो गाइज, अब बहुत ही अच्छा अच्छा खाना है और एंजॉय करना है और वेट लॉस करना है, और बॉडी में इफ़ेक्ट दिखता है गाइज, जो चना प्रोटीन वाला भी खाना है पूरा दिन, और उसके साथ हम लोग वर्कआउट भी करना है और रनिंग भी करना है, तो उसमें बॉडी में अपने आप इफ़ेक्ट दिखेगा और मुझे भी ऐसा फील हो रहा है। और गाइज, अच्छा अच्छा खा के वेट लॉस करना है। सो गाइज, अभी मिलते हैं कल नेक्स्ट 3 डे में। तो आज का दिन तो बहुत ही अच्छा रहा, बेटर रहा। और गाइज, कल हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले। तो गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं, हमारा सेकेंड डे है, तो अभी वो स्टार्ट किया है। और ये है जो दीदी है, उसकी लड़की है, बहुत ही प्यारी और बहुत ही क्यूट है, बहुत ही मज़ा आता है। उसने भी मेरा एक वीडियो भी बनाया है, उसने मेकअप का, उसको मेकअप का बहुत ही शौक है, इसलिए कंप्लीट कर लिया है। और हम लोग आ गए हैं पार्किंग में और अभी हम जा रहे हैं, तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट डे। अभी आज हमने वॉकिंग मस्त किया है, वॉकिंग गया है। आज शीशा है, ये मेरा फोन है, मैं मम्मा वीडियो बनाती हूं। हम लोग बाय करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।